हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे अलर्ट 91। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसका बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। RBI के मुताबिक RTGS के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा किस दिन से सुबह 7 बजे से उपलब्ध हो जाएगी? तो फ्रेंड्स RTGS के तहत सुबह 7 बजे से ट्रांजैक्शन सुविधा हो जाएगी 26 अगस्त 2019 से। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। RBI के मुताबिक RTGS के जरिए बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 7 बजे उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल ग्राहकों के लेन देन के लिए यह सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहक 1 घंटे पहले RTGS के तहत ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। RTGS ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बीते दिनों RBI ने इस सुविधा पर उपलब्ध लगने वाले चार्ज घटा दिया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने इनमें से किस संविधान संशोधन को हटा दिया है, अनुच्छेद को हटा दिया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया है। फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? और यदि आप प्राइम मिनिस्टर भी बता दें कि कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो बढ़िया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम निम्नलिखित में से किस दिन ऑर्बिटर से अलग होगा? तो फ्रेंड्स चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम निम्नलिखित में से ऑर्बिटर से अलग होगा 2 सितंबर को। फ्रेंड्स चंद्रयान 2 का जो वाहन लेकर गया उसका नाम होता है GSLV MK3 M1। फ्रेंड्स GSLV MK3 M1 यह सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस यह आप रट लीजिए GSLV MK3 M1। तो फ्रेंड्स और इसका जो मिशन डायरेक्टर है वो कौन थी? तो फ्रेंड्स मिशन डायरेक्टर थी रितु करगाल और प्रोजेक्टर डायरेक्टर थी विनीता कथुआ थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 का अगला अहम कदम 2 सितंबर को होगा जब लैंडर को ऑर्बिटर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 3 सितंबर को लगभग 3 सेकंड की एक छोटी सी प्रक्रिया होगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लैंडर से सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और फ्रेंड्स सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का 4th देश है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 पहले देश है अमेरिका, रूस, चाइना और 4th है भारत। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है जो वाहन जाता है, जो ये चंद्रयान 2 को लेकर गया है GSLV MK3 M1, इस वाहन की कोई भी क्षति नहीं होती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है वैसे ही चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की है? तो फ्रेंड्स सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती करेगा केरल। और फ्रेंड्स केरल के अंदर एक साइलेंट वैली। और फ्रेंड्स साइलेंट वैली अगर केरल में तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली है बेंगलोर के अंदर और फूले घाटी है उत्तराखंड के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। साइलेंट वैली है केरल के अंदर, सिलिकॉन वैली है बेंगलोर के अंदर, फूले घाटी है उत्तराखंड के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी वाहन, सॉरी फ्रेंड्स यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। केरल सरकार आदेश दिया है कि सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में महिला ड्राइवरों को नियुक्त किया जाएगा। केरल में महिला ड्राइवर प्राइवेट बस, ऑनलाइन टैक्सी, ऑटो रिक्शा चलाती है। इसके अलावा केरल सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश के तौर पर 550 सदस्यों वाली पहली महिला बटालियन स्थापित की है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने द न्यू दिल्ली कॉन्स्पायरेसी किताब लिखी है? तो फ्रेंड्स द न्यू दिल्ली कॉन्स्पायरेसी किताब लिखी गई है मीनाक्षी लेखी को। कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय पूर्व वित्त मंत्री का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है? तो फ्रेंड्स, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो चलो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 को, 1963 को। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्या उद्देश्य? वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना होता है। इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को शुरू की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में डीजे बजाने की प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया है? तो फ्रेंड्स, राज्य में डीजे बजाने का प्रतिबंध लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और दुदुआ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का फाइनल क्वेश्चन। पर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं पहले। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोर्ट के अनुसार आदेश की अवहेलना करने वाले पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि इस आदेश से कुछ समय पूर्व योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने की मंजूरी प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जवाब देना है। इनमें से किसने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो पर, इस चैनल पर ऐसे ही हम डेली का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहते हैं और इसके अलावा भी क्वेश्चंस लाते रहते हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।